बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन मैट्रिसेस में आज हम लेक्चर नंबर 29 में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम अपने लेक्चर्स में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और इसके साथ ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्लास नाइन्थ के लेवल पर जितना भी पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली बात ये जानना लाजमी है कि क्या दूसरे नंबर्स की तरह, रियल नंबर्स की तरह सारे मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर सारे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होते तो क्यों नहीं होते? अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है, कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर इस कन्फर्मेबिलिटी को और साथ में एग्जांपल के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस करेंगे इसको आखिर तक देखा जाए तो उम्मीद है कि देखने वाले बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ, कि दो मैट्रिसेस को हम उस वक्त कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे या दो मैट्रिसेस उस केस में आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिसेस में से फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद बराबर हो तो उस केस में दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसके अलावा कोई भी सूरत नहीं है कि हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकें। सिर्फ वो मैट्रिसेस कि जिनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद बराबर हो तो वो दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं, अदरवाइज मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल में चार मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4, बी 3 4, सी 5 6 और डी 5 6 7 8। ए एंड डी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, बी कॉलम मैट्रिक्स एंड सी रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कन्फर्मेबिलिटी के लिए जो रूल बनाया है उस रूल के मुताबिक देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और फिर दूसरा काम, जो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम देखते हैं मैट्रिक्स ए और बी को, मैट्रिक्स ए बी को। तो मैट्रिक्स ए में कॉलम्स हमारे पास हैं 2 1 3 2 4। अब मैट्रिक्स बी में, या यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकी जोड़ी बनाकर कि पहले देखें ए बी, पहले हम ये देखेंगे कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है, फिर हम देखेंगे बी ए पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद ए सी, ए सी के बाद हम देखेंगे सी ए, इसके बाद ए डी और ए डी के बाद डी ए, फिर बी सी और फिर सी बी एंड बी डी डी बी और लास्ट में हम चेक करेंगे सी डी एंड डी सी। देखें इन चार मैट्रिसेस के अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जोड़ियां बनाएं तो ये जोड़ियां बनते हैं। अब हम देखेंगे इनमें हर जोड़ी को कि कौन से मैट्रिसेस किस तरीके से कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं
अगर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो उनमें से कुछ मैट्रिसेस को हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास है ए बी, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए और सेकंड मैट्रिक्स है बी। अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद और मैट्रिक्स बी में रोज की तादाद बराबर हो जाए तो उस केस में हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ए और बी को ए बी के तौर पर फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद है दो और मैट्रिक्स बी में रोज भी हैं दो, तो अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेबिलिटी रूल नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, इसलिए ए बी फाइंड करना पॉसिबल है। तो हमने ये कहा था कि जिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो उनमें एग्जांपल के तौर पर हम कुछ मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पर करेंगे। इसके बाद ज़रा बी ए को देखते हैं, तो अगर हम बी ए करें तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है बी और सेकंड मैट्रिक्स है ए। तो पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स बी में कॉलम्स की तादाद वन और मैट्रिक्स ए में रोज की तादाद टू। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो टू फाइंड बी ए इज इम्पॉसिबल इन दिस केस। इसके बाद ए सी है, तो ए सी के केस में फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ए एंड सेकंड मैट्रिक्स इज सी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज टू, अब नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इज वन। तो यहां पर भी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब सी ए को देखते हैं, तो सी ए के केस में फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है सी और सेकंड मैट्रिक्स ए, तो सी में रोज कॉलम्स की तादाद है टू और ए में रोज की तादाद है टू। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, इसलिए यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स सी ए हम फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जिसे हम यहां फाइंड करेंगे वो है सी ए, मतलब पहले मैट्रिक्स सी लिखेंगे और उसके बाद ए लिखकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह इन सारे मैट्रिसेस को ए डी डी ए बी सी सी बी बी डी डी बी सी डी डी सी, इन सब को हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं और कौन से नहीं हैं। अब पहले ए बी में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स के साथ, फिर सी ए में हम एक रो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो सिर्फ एक चीज़ और करते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड डी ये दोनों कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद टू और मैट्रिक्स डी में रोज की तादाद टू, तो ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए तीसरी मल्टीप्लिकेशन जो हम यहाँ पर करेंगे वो हमारे पास होगी ए डी। तो अब यहाँ पर जो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन थे उनमें नमूने के तौर पर या एग्जांपल के तौर पर कुछ मल्टीप्लिकेशंस हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास है थ्री फोर। अब यहां पर सिर्फ एक चीज को समझना है कि कन्फर्मेबिलिटी देखने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होना लाजमी है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम हमेशा शुरू करेंगे रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ।
तो इसके लिए यहाँ पर एक जनरल सा वो लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये है कि हमेशा पहले मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई यहाँ पर रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब अगर हम रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? कि एलिमेंट्स बनाने की तरतीब ये है कि फर्स्ट रो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। देखें यहाँ पर जो रो की तादाद है फर्स्ट, इससे हमेशा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में रो का जो नंबर होगा फर्स्ट रो है, तो इसी फर्स्ट रो को जब भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स आएगा उसकी रो बनेगी। यहाँ पर फर्स्ट रो है तो प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा उसकी फर्स्ट रो होगी। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है जिससे हम कॉलम लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उससे हमेशा पहले रो का या अगर दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी रो का एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो इससे आगे प्रोडक्ट में जो चीज़ होगी वो देखें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है ना, तो कॉलम के साथ जो हम नंबर लगाते हैं वो एलिमेंट होगा और रो के साथ जो नंबर लगाते हैं वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की रो होगी। तो यहाँ से हम एलिमेंट लें तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अब हम इसी फार्मूले के तहत एक और यहाँ पर अगर हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो इससे क्या आएगा? देखिए हमने कहा था रो के साथ जो नंबर लिखा होता है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रो की का नंबर होगा, और कॉलम के साथ जो नंबर लिखा होता है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट का नंबर होगा। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो इससे आगे कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के साथ फर्स्ट है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो के साथ सेकंड है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अभी एक और चीज कि अगर हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो इससे क्या आएगा? देखें यहाँ से हम लेंगे एलिमेंट का नंबर और यहाँ से हम लेंगे रो का नंबर। सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से आगे कौन सा एलिमेंट आता है उसका फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है और आगे कुछ सैंपल्स भी दे दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो ए बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4, तो मल्टीप्लिकेशन हमें करनी कैसे है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में हमारे पास पहला एलिमेंट है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, और दरमियान में साइन लगाएंगे एडिशन का, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन से हमें सिर्फ एक एलिमेंट बनाना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड कॉलम के साथ,
फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड कॉलम के साथ, तो चूंकि यहां पर हमारे पास सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो है 3 4, इसको जब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट से, दरमियान में एडिशन और फिर सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड एलिमेंट से। चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है इसलिए दोनों प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जो दो रोज आएंगी उन दोनों रोज के अंदर एक एक एलिमेंट होगा, बिकॉज वी हैव ओनली फर्स्ट कॉलम और कॉलम की तादाद से हमारे पास रो में एलिमेंट का नंबर आता है। अब अगर हम इसको लेकर आगे जाएं तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 × 4 इज इक्वल टू 8 देन 3 × 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 × 4 इज इक्वल टू 16 2 + 8 = 10 एंड 9 + 16 = 25। तो पहला जो हमारे पास था ए बी फाइंड करना था वो फाइंड हो गया कि ए बी इज इक्वल टू 10 = 25। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे सी ए। सी ए में हम पहले लिखेंगे मैट्रिक्स सी को। सी हमारे पास है 5 6 5 6 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास है 1 2 3 4। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद बराबर है, सो दीज आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। देखें फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रो है इसलिए जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास रो एक है तो नए मैट्रिक्स में भी रो एक ही आएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एलिमेंट को पहले के साथ और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ 5 × 1 + 6 × 3 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो 5 × 2 + 6 × 4। अब अगर हम इसको लेकर आगे जाएं तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5 6 × 3 इज इक्वल टू 18 एंड इन सेकंड एलिमेंट 5 × 2 इज इक्वल टू 10 + 6 × 4 इज इक्वल टू 24। तो ये आ गया 10 + 24 5 + 18 = 23 एंड 10 + 24 इज इक्वल टू 34। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ सी ए। देखें मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स में जितने रोज की तादाद होगी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स में भी रोज की तादाद उतनी ही होगी, और दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स की तादाद होगी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स में हर रो के एलिमेंट की तादाद उतनी ही होगी। यहां पर देखें पहले मैट्रिक्स में दो रोज हैं तो प्रोडक्ट में भी दो रोज, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है तो प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स के हर रो में हमारे पास एक एलिमेंट आया है। इसी तरह यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज की तादाद एक है तो प्रोडक्ट में भी वन रो, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दो है तो प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स में रो के अंदर दो एलिमेंट आए हैं। तो हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से पहले भी इस फार्मूले से ये फाइंड कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें रोज की तादाद कितनी होगी और हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, और उससे फिर हम कॉलम्स की तादाद भी फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे एडी को। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है
1, 2, 3, 4 multiply by matrix D. Matrix D is equal to 5, 6, 7, 8. पहले मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसमें भी रोज की तादाद होगी दो। अब दूसरे मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसके हर रो के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर रोज भी दो होंगे और कॉलम्स भी दो होंगे, यानी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 5 + 2 × 7। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 1 × 6 + 2 × 8। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ, तो 3 × 5 + 4 × 7। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × 6 + 3 × 8। हमारे पास चार एलिमेंट बन रहे हैं, तो 1 × 5 = 5 + 2 × 7 = 14। देन 1 × 6 = 6 + 2 × 8 = 16। 3 × 5 = 15 + 4 × 7 = 28। देन 3 × 6 = 18 + 3 × 8 = 24। नो 5 + 14 = 19। 6 + 16 = 22। 28 + 15 = 43। एंड देन 18 + 24 = 42। तो ये हमारे पास आ गया नया मैट्रिक्स, और इस नए मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो आज हमने अपने टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ज़िमन में दो चीज़ें पढ़ी, कि फर्स्ट कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और सेकेंडली हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, कि जो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं उनको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।